नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 हैबिट्स की जो मेरे काफी रिसर्च करने के बाद में मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ख्याल रखना चाहिए, उन 5 हैबिट्स की जो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर करवाने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हेल्दी फिट माइंड। ठीक है, मतलब कि दो तरीके से इंसान हेल्दी रहता है। एक रहता है कि उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर वो किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके कोई पेन तो नहीं है। तो वो होता है आपका बॉडी फिट होना, कि आप अपने बॉडी पे कितना ध्यान दे रहे हो, आपका डाइट प्लान कैसा है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, एवरी पर्सन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डाइट प्लान कितना हेल्दी रख रहे हो। आप बहुत ज्यादा जंक फूड यूज नहीं कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज आती है आपका माइंड कितना फिट है ना। और देखो, दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कंट्रोल ऐसे नहीं होता, ये होता है कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव सोच रहे हो, आपके आसपास की कंपनी कैसी है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि डिमोटिवेट। तो वो जरूरी है कि आप अपने आसपास की कंपनी अच्छी रखो, जिससे आपका माइंड फिट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी फिट रहना जरूरी है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो कि है आपका विल से मस्ट की ओर जाना, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डेडिकेशन होना। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर या इंसान के अंदर होता है, यार ये काम आज नहीं कर रहे, ऐसा करते कल करते हैं, है ना। तो मुझे कल वाला ऑप्शन है ना, कल करेंगे, ये जो विल वाला ऑप्शन आ गया ना, वो सबसे ज्यादा बेकार चीज है, जो आपका पेपर क्लियर करवाने में कभी हेल्प नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपनी लाइफ के अंदर मस्ट लेना है, हमको ये करना चाहिए, हमको ये अभी करना है। तो जब आप ये चीज लेकर आओगे ना, तो आपका एक डेडिकेशन बनेगा, धीरे धीरे आप एक अपने गोल की तरफ डेडिकेट होगे। आपकी कंसिस्टेंसी की आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, तो आप आज अपना पूरा काम कर रहे हो, कल पूरा, ऐसे नहीं आज का काम कल पे छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी खराब हो गई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड की, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पांचों इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला पॉइंट आता है आपका टाइम टेबल, आपके गोल। देखो यार, एक होता है हमारा बड़ा गोल जो कि हमको पेपर क्लियर करना है, एक होता है छोटे छोटे गोल जो कि हमको आज दिन में क्या करना है। ठीक है, जब आप छोटे छोटे गोल से लड़ना सीखोगे ना, कि आपने आज एक टाइम टेबल बनाया, आपको टाइम टेबल की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कैसे टाइम टेबल बनाना है आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपने जिस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाया, तो आपको ये सोचना है कि आपका गोल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आज आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक अपना गोल कंप्लीट किया या नहीं किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट कि आप अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक आपने क्या किया, आपको ये चेक करना है इवनिंग तक कि हमने मॉर्निंग से इवनिंग तक जो कुछ भी किया है, क्या वो इफेक्टिव था, क्या हमारे एग्जाम से रिलेटेड था, क्या अब हमको इससे हेल्प मिलेगी। पता लग रहा है आपने इतना टाइम इतनी जगह वेस्ट कर दिया, इतना टाइम आपने कुछ भी नहीं किया। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका जो टाइम टेबल है उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट आपका जो आता है वो आता है सेल्फ इवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे कि आपने जितना किया है वो सही है, मतलब एक ऑनेस्टी होना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने एक टेस्ट लगाया और उस टेस्ट को चेक ही नहीं किया कि उसमें कितनी गलतियां थी कितनी नहीं, तो आपको खुद के बारे में पता नहीं लगा। तो इट मींस लाइफ में टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप खुद को एवेल्युएट नहीं कर पाओगे, तो सेल्फ इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हम बात करेंगे अपने एक फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि आ जाता है स्मार्ट वर्क या फिर हार्ड वर्क। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको हार्ड वर्क चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जैक्टली आने क्या वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप पिछले साल के पेपर देख रहे हो कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कौन से टॉपिक का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, और आप उसको पकड़ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमने बैंक में रीजनिंग में पजल्स छोड़ दिए, और कोई फायदा नहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने का, क्योंकि आपने जो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब कि पजल, आपने वो छोड़ दिया और आपने अदर टॉपिक्स पे हार्ड वर्क कर लिया, यूजलेस गया। स्मार्ट वर्क जब होता, जब आपको पता होता कि रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है पजल, जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा, तो एक हार्ड वर्क करो। अब एक और पॉइंट आता है कि यार काफी सारे हैं कि हार्ड वर्क का मतलब एग्जैक्टली क्या है, यार स्मार्ट वर्क का मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो वो ये निकल के आते हैं कि आप जितना
रहे हो ना वो कितना इफेक्टिव है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि हमने पजल्स बनाए, अभी ये नहीं कि बैठ गए और 20-25 पजल्स लगा कि नहीं वो यूजलेस है, इसी को आप 5-5 डेली पजल्स लगाओगे ना तो वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप ये 5 हैबिट्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, इनको फॉलो करो, कमेंट सेक्शन में डालना कि आप लोगों को कैसी लगी। बाकी इसी छोटी छोटी डीजी टॉक्स के संग में मुलाकात करते रहेंगे, और भी डीजी टॉक्स में ले चुकी हूँ, बाकी और सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जल्दी से पहले।